मध्य प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। शिवराज सरकार एक के बाद जनता को लुभाने वाली घोषणाएं कर रही है। पहले से यहां लाडली बहना समेत कई योजनाएं लागू हैं। वहीं सोमवार को राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं पास बच्चों को 25,000 रुपये लैपटॉप के लिए देने का घोषणा की है और उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं मामा, उन्होंने कहा 12वीं में जिन बच्चों ने 75% अंक लाए हैं उन सभी को 25,000 रुपये के लैपटॉप दिए जाएंगे। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले हैं। वहीं 23 अगस्त को वो बच्चे जिन्होंने अपने गाँव को 12वीं स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएंगे। और एक बात और, बहनों से भी भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है, लेकिन मैं मामा हूँ। अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठकर हमारे बच्चे कॉलेज जाएं।